ओलंपिक से पुरुष हॉकी में पदक लेकर सोनीपत का नाम रोशन करने वाले होनहार हॉकी खिलाड़ी सुमित और ओलंपिक से ही महिला हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल, निशा और शर्मिला का उसी हॉकी खेल मैदान में जोरदार स्वागत किया गया जहां पर उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। महिला हॉकी खिलाड़ियों ने भी इस दौरान अपनी कोच प्रीतम सिवाच को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। देश की पुरुष हॉकी टीम ने शामिल होकर टोक्यो ओलंपिक से कांस्य पदक जीतने वाले सुमित निवासी गांव कुरार और महिला ओलंपिक हॉकी टीम में शामिल रही खिलाड़ी नेहा गोयल, निशा और शर्मिला का सोनीपत में जोरदार स्वागत उसी खेल मैदान में हुआ जहां से उन्होंने बचपन से अपनी कोच प्रीतम सिवाच के नेतृत्व में हॉकी के दाव पेच खींचे थे। इस दौरान यहां पर सभी खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए। इस दौरान निशा, शर्मिला और नेहा ने महिला हॉकी टीम कोच प्रीतम सिवाच का स्वागत किया और धन्यवाद दिया कि उनकी बदौलत ही वह आज ओलंपिक तक खेल पाई है, लेकिन भविष्य में वह इस हॉकी मैदान को ओलंपिक में मेडल जरूर जीत कर देगी। हॉकी खिलाड़ी सुमित ने भी बताया कि आगे भविष्य में एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम के लिए अगले माह से तैयारियां करेंगे और कोशिश यह रहने वाली है कि देश के लिए मेडल जीतेंगे। इस खेल मैदान से जहां हॉकी की शुरुआत हुई थी वहीं पर ही सम्मान मिला है तो बहुत अच्छा लगा है। आइए बात करते हैं ओलंपियन महिला हॉकी खिलाड़ी निवासी सोनीपत शर्मिला से, उनका आज इस खास मौके पर क्या कहना है। इतना प्यार दिया और मैंने इस ग्राउंड से बहुत कुछ सिखाया। प्रीतम जी से इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतनी लड़कियों पे मेहनत की और इतनी लड़कियां इनकी आगे गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी इतने ही प्लेयर ऊपर तक जाएंगे और इनका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। आइए बात करते हैं ओलंपियन महिला हॉकी खिलाड़ी निवासी सोनीपत निशा से, उनका आज इस खास मौके पर क्या कहना है। नमस्कार। और जैसे कि शर्मिला ने पहले बता ही दिया है कि प्रीतम जी ने बहुत मेहनत की है। हम भी बहुत छोटे थे जब हमने स्टार्ट किया था। जब प्लेयर स्टार्ट करता है तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ तक जाना है। वो ड्रीम जो दिखाया हमें प्रीतम जी ने दिखाया कि हम लोगों को कहाँ तक जाना है, उसके लिए मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगी। और आने वाले टाइम में अभी हम यहाँ पर 4 लोग हैं, आने वाले टाइम में हम 10 लोग यहाँ बैठेंगे। आइए अब बात करते हैं ओलंपियन पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी सोनीपत निवासी सुमित कुरार से, उनका आज इस खास मौके पर क्या कहना है। मुझे इनवाइट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बचपन में आया था। 2004-5 में जब अकेडमी स्टार्ट हुई थी उस टाइम नेहा खेलती थी मेरे साथ, तो हमारे साथ उतना उस टाइम कंपटीशन नहीं था इतना कि हम सीआरजेड स्कूल में जा सके, क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर था उनका। तो मैं उस टाइम नेहा के साथ हॉकी खेलता था बचपन से ही, तो हमारा अच्छा कंपटीशन होता था उनके साथ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी तीनों लड़कियाँ ओलंपिक में गई और वो ये मेडल की हकदार थी। उस टाइम मुझे वही का 3rd-4th का मैच देखने गया था तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे क्योंकि ये भी उसी फैमिली से है लड़कियां जिस फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूं। यहां पर विशेष रूप से ओलंपिक महिला हॉकी टीम में शामिल नेहा गोयल, निशा और शर्मिला ने खुशी से अपनी हॉकी की महिला कोच प्रीतम सिवाच को स्पेशल तौर से स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। हालांकि इस दौरान तीनों महिला हॉकी खिलाड़ियों के साथ साथ सुमित का भी सम्मान हुआ। महिला हॉकी कोच प्रीतम सिवाच इस दौरान यहां पर प्रतिदिन सुबह शाम हॉकी की रिहर्सल करने के लिए पहुंचती हैं। ग्रुप है या हमारे जो बच्चे हैं सभी आए और तीरथ राणा भाई का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि समय समय पर इसने मेरी मदद की है। जब भी मैंने इनको आवाज लगाई भैया में जरूरत है तो भैया ने कभी मना नहीं किया कि आप बहन जी बोलो मैं करूँगा। और साथ में मैं अपनी जो मेरी टीम है जो संडे प्लेयर की है प्रीतम स्पोर्ट्स प्रमोशन जो है हमारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं सभी जुड़े हुए हैं, मैं उनको देखती हूँ। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से 4 बजे से ग्राउंड में आए हुए हैं और आप यकीन करेंगे बिना छतरी के चप्पलों में ही वो सारा काम करे और उन्होंने मेरा जो है ये प्रोग्राम सफल किया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा ने कहा कि देश की महिला हॉकी टीम ने बहुत ही शानदार रूप से टोक्यो ओलंपिक में वहां अन्य देशों की टीमों का मुकाबला किया लेकिन पदक लेने से चूक गई। लेकिन देश की उस दौरान आंखें नम रही और भविष्य में यह बहनें जरूर देश के लिए महिला हॉकी से मेडल जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। आइए अब बात करते हैं सोनीपत के भाजपा जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा से, उनका आज इस खास मौके पर क्या कहना है। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। जो हमारी मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी हैं शर्मिला, नया प्रीति,
जिन्हें ने ओलंपिक में मेरे देश का तिरंगा ऊंचा करने का काम किया है। चूक रह गई कोई बात नहीं, लेकिन पूरा देश की आंखें उस दिन नम थी। मैं देख रहा था, जहां भी जा रहे थे एक ही चर्चा थी कि हमारी लड़कियां ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी। जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस की, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और बहनों, जो कमी रही है उसकी मैं अपनी बहन प्रीतम शिवाजी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी इस तरह की प्रैक्टिस हो कि अगली बार हमारी बहनें इस ग्राउंड से टीम में हमारी ज़्यादा हिस्सेदारी हो, क्योंकि टीम गेम है, एक ग्राउंड से भी टीम नहीं जा सकती। सिलेक्शन कमेटी बैठती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राउंड की बेटियाँ हों, अपनी बहनें हों और अगली बार ओलंपिक में मेडल लेके आए, ये शुभकामनाएं मैं अपनी बहनों को देता हूँ। गौरतलब है कि सोनीपत हॉकी एकेडमी के रूप में 2004 में इसी खेल मैदान से देश के लिए महिला हॉकी खिलाड़ियों को तैयार करने का कार्य शुरू हुआ था, और इसी खेल मैदान से तीन खिलाड़ी नेहा गोयल, निशा और शर्मिला ने ओलंपिक में भाग लेकर टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान अन्य महिला खिलाड़ियों में भी खुशी देखने को मिली। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट sggdnews.com पर लॉगिन करें।